हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। आइए जानते हैं। इज़ इट हु हैड हेल्प यू, क्या इसने आपकी मदद की थी। की थी आ रहा है तो हैड। सेकंड, इज़ इट आई, वह मैं हूँ। इज़ हु। इट मे रेन, वर्षा हो सकती है, वर्षा होने की संभावना है। मे वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ संभावना हो। आई कैन नॉट लेट यू सिट हियर, मैं तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दे सकता। सो दिस इज़ योर विश, तो यह आपकी इच्छा है। व्हाट्स द मैटर विद यू, आपका क्या मामला है, क्या हुआ है तुम्हें। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। व्हाट्स द मैटर विद यू, इट वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर। इट वॉज बाउंड, ठीक है, इट वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। आई हैव डन यू नो रॉन्ग, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया है। द स्काई इज द लिमिट, बस बहुत हो चुका। द स्काई इज़ द लिमिट, ईजी है ना, और कितना प्यारा सेंटेंस है। द स्काई इज़ द लिमिट, बस अब बहुत हो चुका। आई वॉज हैविंग ए मील, मैं खाना खा रहा था। आवर डॉग हैज जस्ट 4 puppies, हमारे कुत्ते के पास सिर्फ 4 बिल्ले हैं। हाउ मैनी पीपल वर देयर एट द मीटिंग, सभा में कितने लोग थे। हाउ मैनी पीपल वर देयर एट द मीटिंग, सभा में कितने लोग थे। वी मस्ट नॉट थिंक नेगेटिवली, हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। तो काम ज़रूरी है ना करने के लिए, नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। आई हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, कल रात मैंने अजीब सपना देखा। पुरानी बात हो गई। हैड, एल्डर्स शुड सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर दी यंगर्स, बड़ों को छोटों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए। तो यही थे हमारे रोज़ाना बोले जाने वाले अंग्रेज़ी वाक्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बाय बाय एंड लव यू ऑल।